अस्सलाम वालेकुम मेरे ब्यूटीफुल क्वींस, आज मैं आप लोग के साथ जो एक फेस सीरम के रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, आई गेस सो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग के पैसे भी बचेंगे या नहीं बचेंगे ये आपको रिव्यू के बिल्कुल मिड और एंड में पता लग जाएगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना, और फ्यूचर में क्या और देखना चाह रहे हैं आप लोग प्रोडक्ट के हवाले से, रिव्यूज़ से या मेकअप के रिलेटेड, तो ज़रूर उसको कमेंट में करें। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैं ब्रांड शेयर करने जा रही हूँ वो है वकाली, फ्रूट ऑफ वकाली। ये एक थाईलैंड ब्रांड है, चाइना ब्रांड है। तो उसका ये फेस सीरम है जो आजकल बहुत मार्केट में इन है, ऑनलाइन इन है। इसके जो प्राइजेज़ हैं वो अप टू जो ऑनलाइन सेलर्स जो लोगों को लूट रही हैं वो है 900 रुपीज़। ये 900 रुपीज़ का नहीं है, ये आपको इजीली शॉप पे कॉस्मेटिक शॉप से 350 से 500 के अंदर अंदर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा का ये नहीं है। तो अपने पैसों को ज़रूर बचाएँ। अच्छा, तो अगर पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं तो पैकेजिंग जो उसके बॉक्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैकेजिंग में ही आता है, गिफ्ट आइटम की टाइप, और अंदर प्लास्टिक दिया हुआ है जिसके अंदर ये कांच की बोतल है, बहुत क्यूट, बहुत अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से मुझ जैसी काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं बग़ैर जाने के भी ब्रांड का रिज़ल्ट कैसा है और क्या है बस पैकेजिंग देखा और ले लिया। ये कांच की बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारी सी बॉटल है यार, 40 ml इसकी ये साइज़ है। ऊपर क्यूट सी वो लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त ड्रॉपर है, अंदर प्लास्टिक एक कॉर्क भी दिया हुआ है जो आपके जेल को ज़्यादा ज़ाया होने से बचाता है, अगर कभी इन केस गिर जाए तो इस तरह से निकलता नहीं है इतनी जल्दी। जेल फॉर्म है ये जेल फॉर्म में है। अच्छा, तो ये इजीली स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब तो हो जाता है, ये एलोवेरा जेल काइंड ऑफ जेल है ये, और बिल्कुल स्लाइटली से स्टिकीनेस भी इसके अंदर फील आपको होती है। खुशबू की बात करते हैं, जेल काइंड ऑफ इसका जो टेक्सचर है वो जेल जैसा है, एब्जॉर्ब तो आपकी स्किन में इजीली हो जाता है। खुशबू इसकी ऐसी है जैसे आप कोई जेल फेस वॉश या साबुन इसकी तरह गए, बट ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। इसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्किन के ऊपर, इसने मेरे सारे पोर्स क्लॉग कर दिए थे और बम्स निकल आए थे मेरे फेस पे, वाइट वाइट कलर के पिंपल टाइप होते हैं, इनका मुंह नहीं होता है और वो काफ़ी टाइम तक आपके फेस पे रहते हैं किसी, और मेकअप के अंडर मेकअप बहुत बुरे लगते हैं वहाँ, तो ये अच्छा नहीं है। प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस। अगर आपको खाली बॉटल के लिए करना है तो वो ज़रूर ले लें, जिस तरह मैंने भी सिर्फ बोतल देख कर उसके कुछ जज्बात में आके दो दो बोतलें ख़रीद ली थी। इस पर लिखा हुआ तो है कि आपको फर्स्ट 5 डेज़ में आपकी आई रिंकल वगैरह कवर होगी, ये है वैसे एजिंग स्किन वालों के लिए, और 25 डेज़ में आपकी फोरहेड और 28 डेज़ में आपके नेक की जो रिंकल्स होते हैं उसको कवर करता है ये। ड्यूरिंग द वीडियो आप लोगों को चपा चप आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि मैं सौंफ खा रही हूँ, हाँ, तो प्लीज़ उससे अगर आप कोई तंग हो तो सॉरी। बट ये मैंने, अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगे तो ज़रूर उसको आगे शेयर करिएगा, और कमेंट में भी ज़रूर अपना रिव्यू दिया करें कि आपको वीडियोस इन फ्यूचर क्या देखने का ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन से ब्रांड्स आपने देखने किया है। जितनी भी मेरी नॉलेज है इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जिन फेसबुक ग्रुप्स में मैं ऑनलाइन लाइव आती हूँ मेकअप के लिए, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं यहाँ पर शेयर कर दिया करूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइव सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ और जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को आके सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूला करें, और आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग हैं। मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है और होगी भी कि मैं पाकिस्तान के ब्रांड को ज़्यादा प्रमोट करूं। बाहर का ब्रांड तो हर किसी को पता है, मगर हमारे पाकिस्तानी ब्रांड हम एशियन स्किन वालों के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये इसमें जो है, एक मैं चीज़ और बताती चलूँ कि इसके अंदर दो तरह के आ रहे हैं, एक ये एजिंग स्किन वालों का आ रहा है जिसका ये स्किन ब्लैक से कलर का पैकेजिंग है, और एक आ रही है एलोवेरा जेल के नाम से। तो प्लीज़ ये ब्रांड को लेने से बेहतर है कि आप दूसरी जो बॉटल्स आती हैं एलोवेरा जेल की, मैं उसके रिव्यू भी शेयर करूँगी, वो बहुत अच्छी है, वो आप ले लें, ज़्यादा बेटर है, इस पर अपने पैसे ज़ाया ना करें। तो होप सो ये रिव्यू आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये यूट्यूब के ऊपर थोड़ा नया है तो ज़्यादा हो सकता है आप लोग कभी कभार बेजार हो जाए मेरी वीडियो से कि भाई ये बहुत लंबी कर जाती है, मगर आप लोग के नॉलेज के लिए ही है। तो प्लीज़ Stay tuned for the more videos and मेरी वीडियो को फिर से बोल रही हूँ, लाइक करना मत भूलना। अपना अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।